लाल की। आज भगवान दो दो भगवान जन्म लेने वाले, लेकिन तीन भगवान जन्म होते नरसिंह भगवान, लेकिन अभी समय नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी भगवान बामन देव सजा करके रखे। अभी भगवान बामन देव आएंगे, उसके बाद में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया भी जन्म लेंगे। बोले श्री बामन भगवान की। कथा लंबा कर बोली, कहीं बेस समय नहीं, कृष्ण जन्म 10 मिनट भीतर जन्म। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत जगदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र भक्ति वेदांत रसी दुर्गोत्सव गुरु महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम दुर्गम का हेतु कृपा वांछ करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पर समस्त रूपानुभव गुरुपाद पद्म समस्त सोपाल सपरिवार को नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद जी पूज्य पर कृष्णदास प्रभु जी समस्त वैष्णव वैष्णव समस्त चरणों में आधा उनका यथाधिक दंडवत प्रणाम स्वीकार हुआ। गुरुदेव का आदेश हुआ है कि श्री बामन देव का चरित्र प्रसंग के ऊपर हम कथा श्रवण करेंगे। बोल पहले तो सबसे पहले हम जय ध्वनि दे के शुरू करते हैं। बोल भगवान भक्त वत्सल भगवान बामन देव की। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम से पहले समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन ने भगवान कूर्म के रूप धारण करके अपने पीठ के ऊपर मद्राचल को धारण किया। अब समुद्र मंथन होते होते वहाँ पे दो चीज निकला, ऐसे तो बहुत सारे रत्न निकले, उसके पश्चात वहाँ पे अमृत निकले और विष भी निकला, और विष को पान करके भगवान शिव जी अपने गले में धारण कर लिया, इसलिए शिव जी का नाम हो गया नीलकंठ। और भगवान पुनः मोहिनी रूप धारण करते हैं और अमृत सब देवता को पान करवा देते हैं और ये असुर को सुरा पान करवा देते हैं। अब देवता अमृत पी के हो जाते हैं बड़े अमर, और अमर होते हुए ये जब देवासुर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ बलि महाराज जी के असुरगण के साथ और देवता का, तब उसी समय देवता तो अमर हो चुके थे, सारे असुरों को वहां पे वध कर दिया। अब देव गुरु बृहस्पति ये शिष्यों के ऊपर कृपा करके उनको संजीवनी विद्या बता दिया, इसलिए संजीवनी मंत्र के द्वारा पानी छिड़क दिया, संजीवनी मंत्र पाठ किया और सारे असुर पुनः जीवित हो गए। अब असुर लोग बोले लगे, गुरुदेव आपके बड़े कृपा हो, आप हमें कृपा करके पुनः प्राण दान दिया, लेकिन हम देवता को नहीं छोड़ेंगे, हम देवता के ऊपर युद्ध करेंगे। तब देव गुरु बृहस्पति ने देव गुरु वहाँ पे देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वहाँ पे उनको आदेश देते हुए एक कूटनीति का बात बताया। देखो अभी वो लोग अमर हो चुके हैं, और अभी अमर हो चुके हैं तो अभी तुम उनको ऐसे युद्ध में जीत नहीं सकते हो, लेकिन एक उपाय है, तुम क्या करो ना, भृगुवंश के ब्राह्मणों की सेवा करो, और जगत में ब्राह्मण कृपा इतना मात्रा में अगर तुम्हारे ऊपर बरस गया तो भगवान भी ब्राह्मण के ऊपर हाथ खड़े कर देते हैं, देवता भी बात ही छोड़ो। तो बलि महाराज जी और जितने भी राक्षस गण थे सबके सब ब्राह्मण भृगुवंश के ब्राह्मण को कृपा करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए उनको प्रसन्न करने लगे, और ब्राह्मण उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े बड़े यज्ञ किए, और यज्ञ से दिव्य रथ दिव्य कवच धनु और बहुत सारा अस्त्र शस्त्र निकला, और सारे के सारे बलि महाराज जी को ब्राह्मण लोग प्रदान करते, और माला प्रदान किया बलि महाराज जी को, जिसको धारण करके बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर जय करने के लिए जा रहे थे। अब इंद्रादि देवता देख के ही घबरा गए। अब इसी समय देवता के जब गुरु बृहस्पति इन्होंने बोले, अरे इंद्र अभी तुम उनको कुछ भी नहीं कर सकते, अभी तुम्हारा जो विपक्ष है उनके ऊपर अभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मण का आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ होता है, और ब्राह्मण अगर किसी के ऊपर कृपा कर देना तो बोलते हैं इनके तुम्हें रक्षा करने के लिए और भगवान भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान खुद ब्राह्मण प्रिय है, इसलिए तुम्हें रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे,
तुम्हारा उचित यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इंद्र देखते डर के भाग गए। बलि महाराज जैसे स्वर्ग में गए, देखे स्वर्ग में कोई है ही नहीं। अब बलि महाराज जी सोच रहे हैं कि मुझे तो अनायास में बिना युद्ध से ही स्वर्ग का राज सिंहासन प्राप्त हो गया। तब वहां पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले, देखो तुम अगर पूर्ण रूप में स्वर्ग में अगर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हो तो 100 यज्ञ करना पड़ेगा। जो आगे गुरुदेव 100 यज्ञ यज्ञ करना शुरू कर दिया। नर्मदा नदी के तट पे भृगुकच्छ नाम का एक स्थान पे ये यज्ञ शुरू किए और स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा भृगुवंश सिंह जितने ब्राह्मण प्रसन्न हो चुके थे और उन सब ब्राह्मणों के द्वारा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ बलि महाराज मिलकर यज्ञ करने लगे। अब देव गुरु बृहस्पति तो पहले ही बोल चुके थे कि ब्राह्मण की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये अदिति माता, इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने कश्यप ऋषि के पास जाके बोलते हैं कि प्रभु आपके ही वंशज दिति और अदिति दो पत्नी है, तो दिति से सारे असुर कुल सृष्टि होते हैं और ये अदिति से सारे देवता कुल सृष्टि होते हैं। तो बोलने कि आपके ही दो कुल में, मतलब आपके ही दो पुत्र में लड़ाई हो गया है, आपकी कृपा करके कुछ समाधान बताओ। अब मेरे पुत्र ये सब स्वर्ग छोड़ के चले गए, देवता गण इधर उधर बलबल में भटक रहे हैं। तब कश्यप ऋषि ने उनको आदेश देते हुए, उपदेश देते हुए बोला कि तुम एक काम करो, पयोव्रत करो। पयोव्रत कब किया जाता है? ना फाल्गुनम शुक्ल कृत्याया, फाल्गुन के महीने में ये पयोव्रत करते हैं। दूध पी के 12 दिन तक व्रत करते हैं और 12 दिन व्रत करने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करते हैं और बड़े पवित्र होकर स्नान आदि करके ये व्रत को किया जाता है। तब अदिति माता ने कश्यप ऋषि के इस प्रकार का व्रत का विधि सुन के वैसे ही पयोव्रत किया और पयोव्रत के जिस दिन अंतिम क्षण हुआ, अंतिम में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भगवान और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे बात को जानता हूँ, लेकिन इस समय उनका वे ब्राह्मण का आशीर्वाद है, इसलिए मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उचित समय आने पर मैं तुम्हारे गर्भ में ही जन्म ग्रहण करूँगा। तब भगवान उचित समय जैसे ही आया, बोल रहे हैं कि श्रवणाम द्वादशी तृतीयाम अभिजीत मुहूर्तम प्रभु, कि अभिजीत मुहूर्त बड़े सूर्य चंद्रमा तारा भास्कर जितने भी ग्रह नक्षत्र सब उत्तम तिथि पे है और ये भाद्रव के महीने पे शुक्ल द्वादशी की तिथि मध्यान्ह काल में भगवान बटुक तम बटुक वामनम दुष्टाम हरि रेदिष्टा, कि भगवान बटुक ब्राह्मण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बल भक्त वशल भगवान की जय। भगवान वामन देव की जय। जोर से बोलो बल भगवान वामन भगवान की जय। लगता है सब सो रहे, जगन्नाथ सोए हुए। हाँ बोलो। अब भगवान वामन देव प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हो गए बटुक वामन रूप में 52 अंगुष्ठ यत्र, मतलब उनका जो शरीर का जो आयुध बता रहे हैं 52 अंगुष्ठी, और उसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति ने बोले कि ब्राह्मणों का एक संस्कार होता है यज्ञ बलवीर संस्कार। दो मिनट बाद मिलाना यज्ञ बलवीर संस्कार। अब योग्य पवित्र संस्कार किया। अब विधि है कि जैसे जनेऊ संस्कार होता है वहाँ पे सारे देवता प्रकट आके वहाँ पे स्तुति करने लगे। कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई बड़े सुंदर सुंदर उपहार दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल दे दिया और सरस्वती जी ने अपने अक्षमाला दिया। स्वयं वहाँ पे गायत्री देवी प्रकट हो गए और उनको गायत्री मंत्र दिया। स्वयं अदिति माता ने उनको डोर कमंडल कोफी नदि वस्त्र प्रदान किया। कश्यप ऋषि ने उनको मृगचर्म प्रदान किया। भूदेव उनको पादुका प्रदान किया। आकाशदेव उनको छत्र प्रदान किया। चंद्रदेव उनको दंड प्रदान किया और जख्यराज कुबेर स्वयं उनको भिक्षा पात्र प्रदान किया और अन्नपूर्णा देवी स्वयं उनको भिक्षा प्रदान किया। अब ये सारे के सारे भिक्षा को ग्रहण करके गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव को स्वयं ही सारे के सारे वस्तु दे देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरे लिए कुछ आदेश। तो देव गुरु बृहस्पति बोलते हैं, देखो बटुक ब्राह्मण जी, इतने में नहीं होगा, मुझे भिक्षा में पूरा 3 लोक का संपदा चाहिए। तो भगवान वामन देव बोलते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। तो बटुक ब्राह्मण रूप ये सारे के सारे पुनः धारण करके दिव्य ब्रह्मचारी स्वरूप उनका दिव्य उनके शरीर पे
जाज्वल्यमान हो रहा है, एक तेज उत्पन्न हो रहा है और ये नर्मदा नदी के तट पे। उस समय बलि महाराज जी का 99 यज्ञ खत्म हो गया था, 100 यज्ञ अंतिम यज्ञ कर रहे थे और अंतिम यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो सचक्रतु बनते और इंद्र का सिंहासन नित्य काल के लिए उनके चिरस्थायी हो जाता। लेकिन भगवान वामन देव वहाँ पे उसी समय पे बलि महाराज के द्वार पे भिक्षा के लिए प्रकट हो गए। जैसे ही वामन देव आ रहे हैं, दूर से एक तेज जैसा एक ज्योति आ रहे, देखते ही बलि महाराज जी उस समय पे वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण गण थे वो सब लोग खड़े हो गए। अब खड़े हो गए और स्वयं बलि महाराज जी उनके पत्नी उनके पुत्री के साथ सपरिवार और ब्राह्मण वहाँ पे वामन देव को प्रणाम करते हैं। तत्पाद सोचम जनकल मसापहम, हे प्रभु आपके चरणामृत से ही ये सारे जगत का कल्याण हो सकता है। आप जैसे साधु मेरे ऊपर कृपा करने के लिए लग रहा है मेरे यज्ञ सफल हो गया कि मेरे यज्ञ के अंतिम दिन पर आप जैसे साधु मेरे यहाँ आए हुए। तब बोलते स्वागत है ते महाभागम, प्रभु आपका बड़ा स्वागत है, बताइए आपको क्या चाहिए। गाम कांचन गुणवत धाम मुष्टि तथा अथवा विप्रकन्य, कि गाम गाय चाहिए, कांचन सोना चाहिए, विप्रम ब्राह्मणुष्टम बोलना आपको क्या कोई ग्रामन कोई गाम चाहिए और अथवा विप्रकन्या, लग रहा है आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अगर शादी करना चाहते हो तो ढूंढान के लिए आपके उतने मात्रा में ही एक ब्राह्मण छोरी आपके लिए लेके आ जाऊंगा, शादी भी करवा दूंगा। बोले अश्वन गजान, आपको क्या हाथी चाहिए गज चाहिए, यहाँ तक तो मैं आपको स्वर्ण आभूषण युक्त एक घर भी प्रदान करूंगा और वहाँ पे बहुत सारे दास दासियों को भी प्रदान करूंगा, आप एक बार बोलो। तो भगवान बोले देखो देखो हम बड़े संतोषी वामन है। श्रीधर गोस्वामी पाद अपने टीका में बोल रहे हैं दाता स्तुति ही स्वयं पृष्टि, बोलने जब दाता दान करते ना उनका थोड़ा स्तुति करना चाहिए। भगवान ने उनका बलि महाराज का थोड़ा स्तुति कर दिया, देख बलि तुम्हारे कुल में पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे बड़े 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 महावीर आए और उनके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा और यहाँ तक तो तुम्हारे जो पिता विरोचन उन्होंने तो छल बल से देवता लोग ने उनको आयु भी मांगा और वो आयु भी दे दिए, तो तुम्हारे तेज तुम्हारे जो वंश महान है। तो बलि थोड़ा उसका सीना चौड़ा हो गया, बोले हाँ। तब बलि ने बोला कि प्रभु आप मांगो तो सही, आपको क्या चाहिए आप एक बार बता दो, क्योंकि मैं त्रिभुवन इस समय त्रिभुवन का संपत्ति मेरे ऊपर है। तो भगवान बोला देख मैं तो बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ और संतोषी ब्राह्मण होने के कारण मैं तुम्हें कुछ लेने नहीं आया, मैं तो बस देखने के लिए आ गया कि सुना है तुम्हारा इतना जस है त्रिभुवन में इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया, चलो तुम मानते नहीं तो मैं कुछ मांग ही लेता हूँ। तो वामन देव ने बोला कि ददानी त्रीन त्रीन पदानी मम गृहणीत्यम त्वम, कि हे बलि मेरे पाँव से तुम मेरे चरणों से मैं मापूंगा तुम्हें मुझे 3 पद भूमि दे दो। इतना सुन के बलि हंसने लगा, बड़े मुश्किल से तो आपने मुंह खोला हे ब्राह्मण देव और क्या मांग रहे हो, त्रिभुवन के मैं जगतपति हूँ लोग मुझे हंसेंगे, क्या वामन देव को मांगना नहीं आता था इसका मतलब क्या बलि को देना नहीं आता है, सब हंसेंगे मेरे ऊपर, आप मांग रहे हो 3 पद वो भी अपने चरणों में, चाहे और किसी बड़े बड़े पहलवान को यहाँ खड़ा कर देता हूँ वो उनके चरणों में माप देंगे, उससे तो आपका कोई कमरा भी नहीं बनेगा। भगवान बोले देख बलि मैं बड़ा संतोषी हूँ, ना मुझे कमरा चाहिए ना मुझे कोठी चाहिए, तुम्हें देना है तो 3 पद भूमि ही दे दो। अब शुक्राचार्य वहीं पे खड़े थे, शुक्राचार्य का आँख टेढ़े हो गए, ले इतने संतोषी ब्राह्मण हमने भी अपने जीवन में बड़े बड़े ब्राह्मण देखे हैं लेकिन इतना संतोषी भाई ये कौन है, आँख बंद करके देखने लगे ध्यान करने लगे। जैसे ही आँख बंद करते हैं भगवान समझ गए गुरु जी कुछ गड़बड़ी करेंगे, तब भगवान बोले देख बलि मेरा त्रिसंध्या वंदन का समय हो रहा है, अगर तुम्हें देना है तो दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोले बलि बोले ठीक है 3 पद भूमि कौन सी बड़ी बात है, नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं संकल्प करो, संकल्प करने के देना पड़ेगा। तो बलि बोले आप तो पहले ही बोले कि 3 पद भूमि उससे भी क्या संकल्प करना। तो वामन देव बोल रहे हम ब्राह्मण है नियम हमारा पक्का है, मैं चाहता हूँ दान में विधि से हो और विधि है कि संकल्प करके ही दान दिया जाता है, हे बलि तुम संकल्प करो
ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा, बलि ने हाथ में पानी लिया, अब जैसे ही ओम विष्णु 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 करके संकल्प मंत्र शुरू कर दिया, तब वहां पे झट करके शुक्राचार्य आके उनके हाथ को पकड़ लेते, बोले बलि सावधान सावधान हो जाओ, बलि फिर से धोखा खा रहे हो, ध्यान से देखो कौन है ये। बोले बामन देव, अरे ये बामन वामन नहीं है, ना बामन है ना त्रिपन है, ध्यान से देख लो। ऐसो भैरो जनो साक्षात भगवान हरे, कदिति कश्यपो जाता देवता कार्य साधिता। अरे ये वही है, साक्षात भगवान हरि है ये, और इनका क्या है ना, अदिति कश्यप हो जाता, अदिति और कश्यप से ये जन्म होके पुत्र रूप में जन्म होके देवता कार्य साधिता, देवता के कार्य साधन करने के लिए आए हैं। पहले जिसने लड़की बनकर तुम्हें सुरापान करवा दिया था और देवता को अमृत पान करवा दिया था, पहले तो छोरी बन के आया और अब बटुक बन के आ गया, ध्यान दो। तब वहाँ पे एक बड़ी शिक्षा मूलक बात यहाँ पे बता रहे हैं। तब बलि महाराज बोल रहे हैं कि मैं अभी संकल्प लेने के लिए जल ग्रहण कर चुका हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे मैं उनको दान ही दूंगा। तो इसमें बड़ी शिक्षा, उन्होंने गुरु को त्याग कर दिया उस स्थान पे। तो श्री तुलसीदास गोस्वामी बात बड़े सुंदर रूप में बोलते हैं, जाको प्रिय न राम वेदे ही तेजिय ताहे कोटि वेरे ही सम जदपि परम सनेही। जिसको भगवान अगर प्रिय, जिसका भगवान राम और वैदेही राम सीता से अगर कोई लेना देना नहीं है, अगर वो कोटि परम स्नेह, अगर वो परम बंधु क्यों ना हो, उसको क्या करो, वैरेही सम बड़े दुष्ट और बड़े शत्रु के सम उसको त्याग कर दो। गुरु न सस्या सजन न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या न पतिश्च स देवं न तस्यात् न पतिश्च सस्या न मोचेत् यस्समुपेत मृत्युम्। कि गुरु को त्याग कर दिया, बोले बलि महाराज ने गुरु को त्याग कर दिया, प्रहलाद महाराज ने तेजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद महाराज ने पिता को त्याग कर दिया, और जननी न सास्या कौन, भरत महाराज, भरत तेजे महतारी, भरत ने अपने माता को त्याग कर दिया। तो इसी प्रकार, और गोपियों ने स्वजन को त्याग कर दिया, तो हे इस प्रकार यहाँ पे बलि महाराज जी ने भी अपने गुरु को त्याग कर दिया केवल भगवान के लिए। अब गुरु तो परम हितकारी होते हैं, गुरु ने सोचा कि बलि ऐसे नहीं मानेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। तब वो वहाँ पे शुक्राचार्य एक भृंग रूप धारण करते हैं, मच्छर रूप धारण करके जो संकल्प जो शंख है उसके अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही संकल्प देने के लिए जल नीचे गिराएंगे और वहाँ पे अवरुद्ध हो गए और पानी नीचे जा ही नहीं रहा, तो भगवान ने सब समझ गए कि ये गुरुदेव ने ही कुछ पहले जैसा गड़बड़ी कर दिया। भगवान ने बोले इधर लाओ बलि, लग रहा है तुम्हारा ये जो आचमन पात्र शंख इसमें कोई जंग लग गया हो। तो भगवान ने अपने झोली से एक कुश को निकाला और जैसे ही मारा उसमें, जैसे ही शंख के छिद्र में घुसाया, तो वहां पे शुक्राचार्य का एक आंख बोला हरि बोल हो गया, तो उसमें पूरा एक आग उनका खराब हो गया और झट वहां से भाग जाते हैं और संकल्प होते हैं। संकल्प करके जैसे भी पानी नीचे गिराया, तो पानी नीचे गिराते ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप को धारण किया, बोलते विक्रम भगवान की जय। विराट स्वरूप को धारण करते ही भगवान ने एक पग में तो पूरा सत्य लोक तक नाप लिया, पूर्व महासप सत्य लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक, उसके ऊपर भी जो कारण समुद्र से वहां तक भेद कर दिया एक पांव में, एक चरण में। और दूसरे चरण में भगवान ने नीचे के जितने भी लोग है, अतल अतल वितल सुतल रसातल पाताल तक पूरा का पूरा नाप लिया, और अब बलि महाराज जी को गरुड़ फास में बांध दिया भगवान। अब बोल रहे भगवान उनको बड़े फास प्रयास करके बलि महाराज जी को बोल रहे, बलि तू तो बोल रहा था बड़ा तुम दानी हो, तुम बोल रहे थे तीन पद और बहुत सारा जमीन तुम मुझे दे सकते हो, देखो तुम्हारे सारे संपत्ति अब मेरे अधीन में है, तुम्हारे सारे संपत्ति अब मेरे ही अधीन में है, अब बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं। तब बलि महाराज जी ने बोला प्रभु ये बताओ, दाता दाता बड़ा है ना, दान दान बड़ा है, दानी बड़ा है, दान बड़ा है ना, दाता बड़ा है। तो बोल रहे हैं कि
जो दाता मैं अभी बचा हुआ, मैंने तो दान दे दिया, ये सारे समग्र मेरे ही तो था, मैंने दान दे दिया, लेकिन अभी मैं बचा हुआ हूँ। और दूसरे बात बोले प्रभु, आप ही गीता में कहते हो कि इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते, कि ये शरीर भी एक क्षेत्र ही है, इसके ऊपर ये क्षेत्र अभी बाकी है, इस क्षेत्र पे आप क्या करो, मैं अपने तीसरा चरण रख दूं। तब भगवान ने बड़े प्रसन्न होके बलि महाराज जी को कृपा करने के लिए अपने तीसरे चरण को वहाँ बलि महाराज जी के मस्तक पर रख के उनको सीधा सुतल लोक में ले गए। और सुतल लोक में लेके जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। तो जिस प्रकार की नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में एक एक भक्ति का अंग, एक एक महा, एक एक भगवत पार्षद ने जागृत करके दिखाया, श्रवण के द्वारा परीक्षित महाराज, कीर्तन के द्वारा सुखदेव गोस्वामी, बंधन के द्वारा अक्रूर जी, और दास्य के द्वारा हनुमान जी, सख्य के द्वारा अर्जुन जी, और पाद सेवन के द्वारा लक्ष्मी जी। तो इसी प्रकार आत्मनिवेदन जो है बलि महाराज जी ने किया, बलि महाराज ने अपने आप को भी दान कर दिया। बलि महाराज जी जिस प्रकार का आत्मनिवेदन किया, आज तक वहाँ पे त्रिभुवन में कोई भी नहीं किया, इसलिए बलि महाराज जी ठाकुर जी के परम भक्त हुए। और बलि महाराज जी बोलते हैं, प्रभु ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मांगो बलि, कुछ चाहिए, कुछ वरदान चाहिए तुम्हें। तो बोलते हैं कि प्रभु मैं हर समय नित्य निरंतर आपको दर्शन करते रहूं, हर समय मैं नित्य निरंतर आपको दर्शन करते रहूं। तो भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं, देखो मैं निरंतर रूप में तुम्हारे सुतल लोक में तुम्हारे द्वारपाल बन के रहूंगा। तो ब्रह्मा शिव जी बोल रहे हैं कि जिस भगवान स्वयं बांधने के लिए आए थे, ऐसा उनका भक्त वात्सल्य है, ऐसा उनका भक्त के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, स्वयं आज बलि महाराज जी का द्वारपाल होकर खुद बंध गए। तो इसी प्रकार बलि महाराज जी के ऊपर भगवान बामन ने बड़ी कृपा की। बामन जग ले आओ, और भगवान बामन, भगवान बामन की जय। अभी भगवान बामन देव आ रहे हैं, देखो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सारा जीवन ये आपको देते रहे, लेकिन आज ठाकुर जी स्वयं भिखारी बन करके आपको आज में भीख मांगने के लिए आएंगे, इसलिए नियम है ठाकुर को कुछ भिक्षा देनी चाहिए। जैसे दो मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए थे, इसलिए ठाकुर जी भिक्षा मांगने आएंगे। आप लोग थोड़ी थोड़ी बामन भगवान को सोचो भिक्षा देना। Yeah.
कृष्ण जन्म लेने वाले। बोले कथितो वंश विस्तारो भगवता सोमसुर्जयो राज्ञाम चो भय वंशना चरितम परमाधुतम। सुदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते दो वंशावली है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश है। बोले सूर्य वंश में भगवान राम जन्म हुए। बोले सियावर राम चंद्र की हर जयकार दो। कोई जय कोई है बोल रहे हो, जो जितने जोर से ठाकुर को जयकार दोगे ठाकुर जन्म लेने वाले ना, जोर से बोलो बोले सियावर राम चंद्र की। और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में जन्म ग्रहण किए। यद्यपि ये चंद्र सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं, लेकिन सबसे प्यारी सबसे मधुर कथा किसके है, बोले भगवान राम और भगवान कृष्ण। इसलिए यहाँ पर अभी श्री सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण कथा को यहाँ पर सुना रहे हैं। जब कृष्ण कथा को सुनाने के लिए जा रहे हैं, बोले भगवान की कथा जैसे तीन गंगा है। कहते एक आकाश में गंगा रहती है जिसका नाम मंदाकिनी, एक मर्त्य जगत में गंगा रहती जिसका नाम भागीरथी, वो ये मर्त्य जगत को कल्याण करती है, एक पाताल लोक में गंगा रहती जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती हैं, ये कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती हैं। किसको किसको? जो बोलने वाले, जो सुनने वाले और जो प्रश्न करने वाले। कहते कृष्ण कथा में इतने मीठा है, बोले निप्रीत तसई रूप गीय मानात भव औषध छत्र मन भियामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यति बिना पशुनाद। कहते कृष्ण कथा में इतने मीठा है, कहते जो आत्मा में जरमण करने वाले कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी, चतुसर श्री जनक महाराज, ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण की कथा सुनते ही इन लोगों ने सारे ज्ञान ध्यान ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके भगवान की भक्ति में आ गए। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, सबसे मीठी दवा क्या है? बोले भगवान की कथा। कथा सुनते सुनते देखो आपको लगता होगा हम तो बैठ कर कथा सुन रहे हैं, नहीं, बहुत बड़ी साधन है। जैसे कथा सुन रहे हो, किसकी कथा सुन रहे हो? कृष्ण की कथा, ठाकुर जी की कथा। किसको याद कर रहे हो? ठाकुर जी को याद कर रहे हो। साधारण चीज मत समझो कथा सुनना। परीक्षित महाराज उन्होंने कुछ भी नहीं किए, उन्होंने कृष्ण कथा सुनते सुनते ही संसार से पार हो गए। इसलिए कहते अगर संसार से पार होना चाहते हो, सबसे मीठी कथा भगवान की कथा सुना, कथा सुनते सुनते पार हो जाओगे। इसलिए बोले ये दवा, बोले भैया दवा तो बड़ी कड़वी होती, एलोपैथिक दवा खाए ना झट मुंह में लेकर पानी से घटता रहते, क्यों? बड़ी कड़वी है। बोले क्या कृष्ण कथा कड़वी? बोले नहीं, बोले हृदय कर्ण रसायन, ये कान और हृदय को बड़े आनंद देने वाले, बड़े प्रेम देने वाले। तभी तो आप लोग घर छोड़ कर यहाँ बैठे हो। अगर कथा में मीठा नहीं होता तो थोड़ी यहाँ पर बैठते, फिर घर में बैठ के टीवी देखते, दुनियादारी की बात करते। इसलिए जिस समय कंस ने बड़ी अत्याचार की, मैंने बोले मेरे देश में कोई भी भगवान की कीर्तन नहीं कर सकते, जो मेरे देश में प्रभु का भजन करने से जेल में बंद कर देगी। सारे साधु संतों को जेल में बंद कर दिया, और साधु संत जेल में बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय कीर्तन कर रहे थे। और ये पृथ्वी के ऊपर इतने अत्याचार की, अपना जेल में बंद कर दिया उग्रसेन को, और बोले अभी इतने अत्याचार कंस कर रहा था, पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी शंकर जी को पास में, अरे इंद्र को पास में, ये सब के सब जा करके खीर समुद्र के तट पर जा करके पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान की प्रार्थना की। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले हे देवताओं तुम लोगों का दुख मैंने समझ गया है, जाओ तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे देवियां तुम लोग जाकर के वृंदावन में गोपी बन करके आओ,
मैं जल्दी से जल्दी अवतीर्ण होऊंगा। इतने में अभी कंस ने श्री देवकी को साथ में वसुदेव की शादी करवाया और उन्हें बहुत कुछ दहेज रूप में दिया और स्वयं सारथी बन करके उनको विदाई दे रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे बूढ़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी की अष्टम गर्भ का संतान त्रिकाल होगा। कंस ने देखा ये देवता का बाण कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ओ मैंने से तलवार निकाला, देवकी की चोटी पकड़ करके मारने जा रहा था, लेकिन वसुदेव को आनंद दुंदुभी जिस समय वो जन्म ग्रहण किए, देवता लोगों ने देवता लोग वाद्य बजाए थे, बड़े प्रतापी भगवान जिसके बेटा बनेगी वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने साम दाम दंड भेद नीति से उन्होंने कंसो को समझाया, बोले देख कंस, शादी का समय अगर अपना बहनी को मारोगे ना, जब तक जीता रहोगे दुनिया बोले तो बहन ही हत्यारा है, तेरे मुंह को ही नहीं देखेगा, इसलिए ऐसे जीवन को कोई जीवन कहते हैं। बोले आपने देखा नहीं आकाशवाणी हुई, बोले मैंने भी सुनी है। बोले ये कंस ये बताओ, तू एक दिन मरोगे नहीं, बोले हाँ मरूंगा। बोले जब तू मरोगे एक दिन बहनी को भी मार कर मरोगे, फिर बहनी का हत्यारा क्यों बनोगे? देख कंस, मरता कौन है, ये शरीर, और ये शरीर तो मरा हुआ है ही है। जैसे एक आत्मा, जैसे एक वस्त्र जो पुराना हो जाते हैं, हम क्या करते हैं उसको छोड़ करके एक नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जो पुरानी हो जाए, आत्मा ये शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। लेकिन जो आत्मा है ना, न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण, ये आत्मा छह विकार से अतीत है। बोले नैनम छिंदति शस्त्राणि, ये आत्मा को अस्त्र काट नहीं सकती। नैनम दहति पावक, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, ये पानी में भीगता नहीं, वायु उसको सुखा नहीं सकती, ये अजो नित्य ये आत्मा है। केवल ये शरीर मरती है, जब शरीर मरते बहन को भी मारोगे, उनने तरह तरह से समझाया। लेकिन कंस तो राक्षसों को साथ मारे और खाने वाले मांस मछली और शराब पीने वाले ये कहां साधु का बात सुनेगा, तब भी नहीं सुन रहा है। लेकिन लास्ट में श्री वसुदेव महाराज बोले देख कंस, तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ मेरे को पता, तू कभी झूठ नहीं बोलता। बोले देख एक काम कर, बोले बताओ। बोले मेरे जितने बच्चे होंगे ना, सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, मेरे सारे बच्चे को तू मार डाल, लेकिन अपना बहनी को मार पा, ये शादी का समय है, अभी जाके राके साइया मार सके ना, और बाल ना बांका कर से जब जगह बैर है। ठाकुर जिसको रखा करके कुबर बिगाड़ सकता, ठाकुर को इच्छा छोड़ दिए। इतने में इसका जो पहला बेटा हुआ कीर्तिमान, उन्होंने लेकर के बेटे को उन्होंने कंस जी को दे दिया। कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, अपना बेटे को कोई मृत्यु को सामने दे सकता है, उसका हृदय पिघल गया। कितने सत्यवादी, बोले तेरे सत्यवादिता में संतुष्ट हूं, ले ये बच्चे को तू ले ले, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब। नारद जी ने देखा भैया बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्यों ठाकुर जी कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भर गया तब तो आएंगे ना, ये तो ठाकुर तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसको देवेंद्र के ऊपर में बच्चे को दया भाव हो गई, अभी कृष्ण मारेंगे कैसे, इसलिए इतने में नारद जी ने बास बिना बजाते बजाते उन्होंने बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रम तेरे को मारने के लिए ये जो जदुवंशी कोई नहीं, देवता लोग जन्म हुए,
ये जो गोपियां ये कोई नहीं देवियां सब के सब प्लानिंग करके तेरे को मारने के लिए आए। अभी अब मैं देख करके आ रहा हूँ तो उन्होंने एक कमल फूल लाई थी जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बताओ तो इसमें पहला नंबर और 8वां नंबर क्या है? बोलो। कंसर बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ गया कि नहीं? बोले नहीं। बोले देख देवताओं का मानी समझना बड़ा कठिन। उन्होंने बोले अष्टम गर्भ का संतान काल बनेगा यही बारी में। बोले हाँ। बोले तू तो इधर से गिन रहे, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको एक कर रहे हो ना वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब एक एक करके बच्चे बढ़ेंगे 8 बच्चे बनेंगे बड़े होएंगे कि नहीं? बोले होएंगे। बोले तेरे को मील करके मारेंगे। बोले गुरु जी फिर क्या करूं, इस सबको मैं मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बोलूं, तू जानता तेरे बाप से आता बास मार तो भगा दिया टुकड़ा। ए भड़का करके नारद जी गोविंद जय जय गोपाल जय जय करते हुए चले गए। इतने में कंस को बड़ा क्रोध आया। बोले देवकी बताओ तेरी संतान कहाँ है? छीन लिया उसकी गोद से और पछाड़ करके मार डाले। ऐसे उसने 6 बच्चों को मार डाले। कभी प्रश्न होता है भैया नारद जी इतने बड़े संत होकर बच्चों को क्यों मरवाया? बोले मरवाया नहीं, नारद जी इनकी पूर्व जन्म कथा जानते हैं। ये पहले ब्रह्मा की मानस पुत्र मरीच थे। एक दिन ब्रह्मा एक सुंदर लड़की जन्म दी। सचमुच से वो लड़की इतनी सुंदर थी ब्रह्मा अपना बेटी में मोहित हो गए और अपना बेटी के पीछा उन्होंने की। और इन लोगों ने ब्रह्मा जी को देखकर खिली उड़ाया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले मेरे को देखकर के हंसी उड़ा रहे हो, मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, अपना पिताजी के हाथ में 3 जन्म तक मरने के बाद मुक्ति होगी। यही कलश पहले काल में भी रूप में जन्म लिया था, इनकी बच्चे बन करके आए, वही काल में भी अभी कलश बन करके आया। अभी क्या होगा? अभी उन्होंने ये जो जो बच्चे हैं जितना जल्दी इनको हाथ में मरेगा उतना जल्दी मुक्ति मिलेगी, इसलिए उन्होंने अभिशाप दिया था। नारद जी को ये बात पता था जितने जल्दी मरेंगे इनको मुक्ति दिला देंगे, इसलिए इनको मरवा डाले। ये एक अर्थ। दूसरी अर्थ समझो, भगवान अष्टम गर्भ में आए। बोले क्यों? भगवान सप्तम गर्भ में नहीं आए, छठवां गर्भ में नहीं, क्यों? अष्टम गर्भ में क्यों आए? आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनना, ठीक है? अच्छे तरह से मान लगा के सुनो। ये 6 गर्भ मतलब है, अगर कोई भगवान को हृदय में बैठना चाहते हैं, ये 6 कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये सबसे बड़ा हमारी शत्रु हृदय में बैठे हुए। इसलिए उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने ये काम क्रोध उन्होंने मारो, उसको बाद में सप्तम गर्भ में सख्यात हृदय प्रभु धाम स्वरूप जो भगवान को धारण करने वाले संधि शक्ति की अधिष्ठात्री देवता जो पंच रस और 10 शरीर से जो भगवान की सेवा करते हैं श्री बलदेव प्रभु आए, क्योंकि भगवान को वही धारण करते हैं। सप्तम गर्भ और अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका दूसरा अर्थ इसको अच्छे तरह से समझो। बोले जो जैसे भक्ति का 8 स्टेजेस होता है, 8 सोपान है, लेकिन भक्ति का पहला सोपान कौन है? बोले श्रद्धा। जैसे आप लोगों के अंदर में श्रद्धा है तभी तो कथा सुनने के लिए आए ना, अगर श्रद्धा नहीं होती तो कथा सुनने के लिए नहीं आते। उसको बाद में साधु संग, जब कथा सुनने के लिए आए फिर भक्तों का संग से कथा सुने, जब कथा सुने जो तीसरा जो स्टेज है कहते भजन क्रिया। इधर सुना मेरे तरफ में देखो, भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब क्या है? जब साधु संग से हमें ज्ञान मिलेगा मैं कौन हूं, कहां से आया, जिनको अपना कहते ही फिर इनको छोड़ना क्यों पड़ता है, फिर जाएंगे तो कहां जाएंगे? लेकिन जब साधु संग होता है ना, इस सारी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तत्वतः हम भगवान की संतान हैं, उनकी बच्चे हैं, उनको भूलने के नाते संसार में आए और दुख कष्ट उठा रहे हैं, जब फिर ठाकुर की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, फिर ठाकुर जी अपना चरण में हमें स्थान दे देंगे। ये जब ज्ञान मिलता है फिर तीसरा स्टेज भजन किया, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो चौथा स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब होता है हमारे हृदय में ये असत कृष्णा
हृदय द्रव्य अपराध तत्व भ्रम तरह तरह का अज्ञान अविद्या भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब भजन करते हैं ना ये धीरे धीरे हृदय से नष्ट होता है। उसको बाद में फिर रुचि, रुचि मतलब जब हृदय से सारे अज्ञान दूर हो जाएगी, हृदय निर्मल हो जाएगा। जैसे अभी भगवान के भजन करना नींद आती है, बोलो भगवान की माला जप कर, भगवान के भजन में रुचि नहीं, लेकिन टीवी तो बहुत तीन घंटा टीवी देखेंगे, दूसरे की चुगली करो घंटे घंटे बीत जाएंगे, लेकिन बोलो थोड़ा माला करो माला मन नहीं लगता, क्यों? हमारी पाप है। लेकिन ये पाप कैसे दूर होगा? बोले भगवान का जब नाम ग्रहण करोगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा, हम लोग बोल नहीं रहे, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार बोलो जोर से, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जब ठाकुर के नाम जप करके धीरे धीरे हृदय की सारे महिला धुल जाएगा, उसके बाद में निष्ठा, निष्ठा मतलब है भजन में एकदम पक्के बने जाएंगे। भले ही जीवन में जितने विपत्ति आए, जितने दुख कष्ट आए, लेकिन भगवान के भजन कभी हम नहीं छोड़ेंगे, इसको कहते हैं निष्ठा। इसको बाद में आसक्ति, फिर भगवान में इतनी आसक्ति हो जाती है, भैया भैया जो कुछ हो जाए फिर भगवान के भजन हम नहीं छोड़ते। फिर जो अष्टम स्टेज में ना स्वयं भगवान कृष्ण अष्टम स्टेज में आते हैं, प्रेम अवस्था में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए ठाकुर जी अष्टम स्टेज में ही आए। तुम लोग देखो की बनोगे ना, जब इनको ले जाओ तो इनको ले जाओ, लेकिन उनको तैयार करके ले जाओ अच्छे तरह से। जो वसुदेव महाराज, अगर पगड़ी हो तो पगड़ी बना देना, तुम अच्छे तरह से चुनरी ओढ़ करके, कोई बच्चा कृष्ण बनाया है? अरे कोई बच्चे कृष्ण बनेंगे नहीं? हाँ जाओ, जब उसी घर में जाओ, अभी मैं बुलाऊंगा लेकर जाना, फटाफट उड़ करके जाओ, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री देव की वसुदेव की, ऊपर से चुनरी ओढ़ करके आना, खाली सर से नहीं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए भगवान अभी अष्टम गर्भ में ठाकुर जी जन्म ग्रहण करने वाले, अभी जब भगवान जन्म ग्रहण करने वाले, जब ठाकुर जी देवकी के गर्भ में ठाकुर जी आए अष्टम गर्भ में, पूरा घर उजला उजला हो रहा था। कंस देख करके समझ गया मेरे काल आ रहा है, मारने के लिए कोशिश की, लेकिन वहां फटक नहीं सकी, क्यों? साक्षात भगवान आ रहे थे। अभी भगवान जब देवकी गर्भ में आए, सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान को स्वागत कर रहे हैं। देखो हम भी ठाकुर को स्वागत करते हैं, मेरे साथ में ताली बजा कर लिए, ठाकुर जी जन्म लेने वाले, थोड़ा स्वागत करो, बोले सुस्वागत कृष्णा, सुस्वागत कृष्णा, ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं, ठाकुर जी जन्म लेने वाले। देखो अगर यहाँ पर मोदी आए ना, प्राइम मिनिस्टर आए, कितना उनके लिए कितने स्वागत होगा, सुंदर स्टेज बनेगा, मंत्री लोग आएंगे उनके लिए सुंदर सुंदर तोरण बनाएंगे, कितने स्वागत साधारण प्राइम मिनिस्टर के लिए, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उनके लिए कितने स्वागत नहीं होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः सर्व गुण पेत काल पर शोभना, एक साथ में ये छह ऋतु प्रकट हो गई, एक वृंदावन धाम, एक दुल्हन का भाती पेड़ में फूल फल से लग गया,
ये पृथ्वी इतने प्रसन्न थी, क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले भगवान मेरे को सप्तयुग में बराहवतार की पत्नी बनाया, तृतीयायुग में माँ लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई? बोलो माँ सीता कहाँ से प्रकट हुई थी? कौन बोले हाथ उठा, बता माँ सीता कहाँ से प्रकट हुई थी? जोर से बोलो, धरती से। शादी किसको साथ में हुई? तो राम का ये पृथ्वी क्या लगती है? अरे बोलो जोर से, सासू लगती है, इतना नहीं बोल सकती, इसलिए ये सासू माँ लगती है, क्योंकि जन्म तो हुई पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी इसलिए प्रसन्न हो रही थी, भगवान तृतीया युग में अपना सासू बनाए। अभी जब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे, ये जो सत्यभामा ये स्वयं पृथ्वी स्वरूप है, मतलब मेरे को भी इन्होंने अपना पटरानी बनाएंगे और नंगे पैर में ठाकुर जी गैया चराएंगे और ठाकुर जी की चरण स्पर्श पा करके मेरे जीवन धन्य होगा। इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। और ये यमुना नदी तो कलकल कल नाद से यमुना नदी से भगवान की जय जयकार करते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करते हुए यमुना प्रवाहित होने लगी। वो यमुना क्यों खुश हो रही थी? बोले भगवान जब वृंदावन में रहेंगे वो बनेगी यमुना महारानी, कभी ये भिक्षा खा सकी, कृष्ण की सखी बने, कृष्ण की सखी। यही यमुना जो मथुरा जाएगी कृष्ण की पटरानी बनेगी, इसलिए ठाकुर जी मेरे में जल विहार करेंगे। इसलिए यमुना बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जो दूसरी दूसरी नदियां वो भी खुश हो रही थी, गंगा सरस्वती। बोले क्यों? बोले जो यमुना बड़ी बहन है और इनका जो छोटी बहन, ये सब दूसरी दूसरी नदियां हैं। जब कृष्ण की शादी यमुना से होगी क्या लगेगा? कृष्ण की साली लगेगी, साली लगेगी ना। आप देखना कभी कभी अपना पत्नी से सालियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण हमें भी कृष्ण प्रेम करेंगे। इसलिए सब नदी खुश हो रही थी। कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों खिल गया रात में? बोले संत जन जब भगवान की स्वरूप को तुलना देंगे ना, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी। बोले भगवान के मुख, मुख कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, चरण कमल, कमल कमल को साथ में देंगे। इसलिए कमल बड़े खुश हो रहे थे। और उसी समय में विशेष करके आकाश में कहते मेघ एकदम काला मेघ छा गया। कहते जब जिस समय आकाश में काला मेघ छा जाए, आप देखना चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। कितने व्यक्ति प्रसन्न होते हैं बताओ तो? कौन कौन होते हैं? कौन बोले हाथ उठा? कोई नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? पहला नंबर खुश हो जाए किसान, क्यों? खेती किसान ने की, अगर बारिश नहीं होगा तो क्या खेती खत्म हो जाएगी। ये किसान कौन? पितामह ब्रह्मा, जगत को जो सृष्टि किया। लेकिन दैत्य लोग का आकर में बड़े उत्पात कर रहे थे, इसलिए जब देखा भगवान आ रहे हैं काला में, मतलब कृष्ण आ रहे हैं, सारे दुनिया में जितने दुष्टों को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट को विनाश करके। इसलिए कौन? ब्रह्मा खुश हो रहे थे। दूसरे व्यक्ति कौन खुश होता है? बोल से बोलो, मैं तो एक बोल दिया, आप एक बोलो। दूसरा व्यक्ति खुश होता है मोर। देखना मोर कब नृत्य करता है? जब आकाश में काला मेघ छा गड़गड़ शब्द हो ना, तभी वो मोर नृत्य करता है। ये मोर कौन है? भगवान नीलकंठ श्री शंकर जी। कल हम सुनेंगे शंकर कैसे ठाकुर जी का रूप दर्शन करने के लिए भोले बाबा आते हैं। बोले तीसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोलो, कौन बोलेगा? बोले चातक। ये की चिड़िया है, ये किसी नदी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाद ही नक्षत्र का पानी पीता है। बोले चातक स्वरूप कौन? बोले नारद आदि भक्त। बोले चौथे व्यक्ति कौन सुखी होते हैं? बोले जब जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, हाथी इधर उधर भागता है, लेकिन कभी आग बुझेगी? जब खूब बारिश हो ना तभी आग बुझती है। इसलिए ये लोग कौन? समस्त देवता लोग। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। संत लोग तो इतने खुश हो गए, क्योंकि संतों को जेल में बंद कर दिया था। बोले मेरे देश में यज्ञ कर नहीं कर सकते, हरि नाम नहीं कर सकते, ठाकुर जी जन्म हो गए ना, ए संतों का हृदय इतने प्रसन्न हो गया। बोले हमारे कौन क्या बिगाड़ सकता है? अपना बजीरा ढोलकी उठाए, बोले गोविंद जय जय,
गोपाले जय जय गोपाले जय जय राधा अभी कृष्णा जन्म लेंगे, कल भगवान राधा रानी जन्म लेंगे। आज आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? अरे बोलो, मैं कल क्या बताया था? पीला बनाया बना ना, पीले रंग की। कौन कौन पीले पहन करके आए हो? कुछ को तो पीले और कुछ को लाल। कल राधा रानी जन्म लेगी, कोशिश करना सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहनने के लिए, क्योंकि जो गुलाब रंग ना प्रेम रंग है। गुलाब जब हम लोगों का कपड़ा देख रहे हो, ये कौन सा रंग है? गुलाबी रंग है ना। बल्कि ये कपड़े क्यों धारण करती है? राधा रानी की जो चुंदरी है ना, गुलाबी रंग की। ये जो गुलाब जैसे होली खेलते हैं ना, आज ब्रज में होली गुलाब रंग कैसे होता है? गुलाल खेलना मतलब क्या? राधा कृष्ण दोनों को परफेक्ट है, मतलब क्या? ये अनुराग का रंग। इसलिए कल राधा रानी ये प्रेम की प्रतीक है। कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना, जो मुझे पहनना, ठीक है? कल से राधा रानी की जन्म कथा सुनेंगे। अभी भगवान कृष्ण बोले, या भैया भगवान चतुर्भुज रूप में जन्म लिए। देवकी वसुदेव बोले, प्रभु आपको पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप इसी रूप में क्यों आए? बोले, पूर्व जन्म की बात को याद दिलाने के लिए मैं छोटा बच्चे बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में रख करके बेटी को ले आना। जब वो ले जा रहे थे, पहरेदार अपने आप सो गए, हथकड़ी बड़ी खुल गई, जा रहे थे रिमझिम बारिश हो रही थी, आनंद देव छतरी रूप में उनको रक्षा कर रहे थे। यमुना नदी आई तो उनको ले आओ, यमुना नदी आई तो यमुना भी सोच रही है, कम से कम मैं तो ठाकुर को चरण स्पर्श करूं। इतने में ठाकुर जी चरणों को पीछे बढ़ाए, यमुना महाराज भी भगवान के चरण को स्पर्श करके नीचे हो गए। फिर उन्होंने गोकुल में गए और बेटे को रख करके वहां से उन्होंने बेटी को ले आए। बस श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, नंद के लाला की जय, जय श्री राम। बधाई का देखो, यहाँ पर बहुत सारी बधाई का चीज है, लेकिन अगर ऐसे फेंक देंगे ना, एक लूटेगा दूसरे को मिलेगा नहीं। हम चाहता हूँ सबको मिलनी चाहिए। आप लोग एक एक मेरे पास में आना, मैं अपना हाथों से सब कुछ तो मैं दूंगा, फेंकूंगा, लेकिन जैसे बिस्कुट पैकेट एक एक कर दूंगा, और कुछ खिलौना है, ये खिलौना सबको नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चों को मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों को बाल वालों को ही मिलेगी, ठीक है? बच्चे तुमको मिलेगी, और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो मैं तुम लोग को दूंगा, ठीक है? ले आ भैया, उनको लेकर आ जा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब हमारे ब्रज में लाला कन्हैया का जन्म हुआ ना, तब छह महीना का उत्सव मनाया। छह महीने का समय पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हो, बड़े श्रद्धालु लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे भक्त हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन उत्सव मनाने में कंजूसी करते हैं। देखिए, उत्साह नहीं दिखाएंगे, उत्साह दिखाएंगे, आप बोलो, नाचेंगे सब, खड़े होकर नाचेंगे।